सुई गैस बंद, एलपीजी महंगी, सीएनजी नहीं, अब बिजली की तंगी। लैसकों ने सर्द मौसम में भी लोड शेडिंग शुरू कर दी। भुक्की पावर प्लांट में फनी खराबी के बायस 500 मेगावाट की कमी। सुई गैस के प्रेशर में कमी ने पहले ही चूल्हे ठंडे कर रखे हैं। एलपीजी माफिया ने कीमतें मनमानी सतह पर पहुंचा दी। सीएनजी स्टेशंस 12 रोज के लिए बंद, सार्फीन मुसलसल खार। नए पाकिस्तान में पुरानी रवायत, बिजली की 5 घंटे गैर ऐलानिया बंदिश शुरू। महंगाई के सुनामी में जकड़ी आवाम की अश्क शोई का मंसूबा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 15 रुपए लीटर तक की कमी की तजवीज। हाई स्पीड डीजल में 15 रुपए, लाइट डीजल में 2 रुपए लीटर की कमी का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 9.5 रुपए लीटर, मट्टी के तेल में 25 पैसे की कमी की तजवीज। वजारत खजाना वजीर आजम इमरान खान से मुशावरत के बाद हतमी फैसला करेगी। चीफ जस्टिस साकिब निसार का लाहौर में शाम के औकात में ट्रैफिक जाम पर नोटिस। शादी पर बच्चियां खूबसूरत कपड़े पहनकर आती हैं, ट्रैफिक में फंस जाती हैं। मुझे शादी में जाना था, लोगों को ट्रैफिक में देखकर थक गया। चीफ जस्टिस का मेयर और डीसी लाहौर से मुकालमा। डीसी साहिबा, क्या शादी में हॉल्स के औकात तब्दील नहीं हो सकते? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। हॉल्स के औकात शादी एक्ट के तहत बनाए गए, देखना होगा बदल सकते हैं या नहीं। सालेहा सईद का जवाब। जिले इंतजामिया का औकात बढ़ाने पर गौर, हुकूमत से रहनुमाई लेने के लिए फैसला। खोखर बरादरान कब्जा केस में लॉर्ड मेयर सुप्रीम कोर्ट में पेश। एंटी करप्शन टीम से तावुन ना करने पर चीफ जस्टिस मेयर लाहौर पर बरहम। बराए नाम मेयर हूं, कोई अफसर लिफ्ट नहीं करवाता, लाइट भी खराब हो जाए तो पैसे नहीं मिलते। इस्तदा है, मुझे इख्तियारात दिलवाएं, दिन रात काम करूंगा। मेयर लाहौर ने शिकायत के अंबार लगा दिए। आपको कोई शिकायत है तो दरखास्त दे, हम देख लेंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स खोखर बरादरान के खिलाफ। टैक्स की अदब अदायगी पर रहीम स्टोर को ताले लग गए। एफबीआर का इकबाल टाउन ब्रांच पर छापा, स्टोर का रिकॉर्ड कब्जे में लेकर बंद कर दिया। स्टोर के अंदर से कंप्यूटर, लैपटॉप, रसीदें और अहम दस्तावेजात भी तहवील में ले ली। एफबीआर ने रहीम स्टोर की दोबारा सेल्स मॉनिटरिंग शुरू कर रखी है। 4 घंटे में 30 लाख रुपए सेल रिकॉर्ड की गई। सेल्स टैक्स चोरी करने वालों के लिए नया प्लान मुरतब। रहीम स्टोर के बाद जलाल सन्स की बारी। एफबीआर ने जलाल सन्स की मुख्तलिफ ब्रांचेस पर अपनी टीमें कायम कर दी। टीमें स्टोर की फी घंटा सेल्स का मुकम्मल रिकॉर्ड मुरतब करेंगी। खोखर बरादरान के खिलाफ फिराजी पर कब्जों से मुतालिक केस। कंसोलिडेशन अफसर नवीद आलम और तहसीलदार हसीब सुप्रीम कोर्ट से गिरफ्तार। शफी खोखर भी पहले गिरफ्तार, बाद में वकील एसन भवन की मदाखलत पर रहा। चीफ जस्टिस का महकमा रेवेन्यू और दीगर महकमों के मुलविस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। एलडीए खोखर पैलेस का दौरा करके रिपोर्ट जमा कराए चीफ जस्टिस। जिला इंतजामिया का अड्डा प्लाट पर ऑपरेशन। शफी खोखर के कब्जा से 1 करोड़ रुपए मालियती अराजी वागुजार करा ली। लोग अस्पताल गाड़ी में आते हैं और गाड़ी बेचकर बिल अदा करते हैं, अस्पतालों की एबीसी ग्रेडिंग कहां से आ गई? चीफ जस्टिस के प्राइवेट अस्पतालों में जायद फीसों की वसूली के केस में रिमार्क्स। प्राइवेट अस्पतालों की इंतजामिया और हेल्थ केयर कमीशन फीसों के एसओपीज तय करके रिपोर्ट दें, अदालत का हुक्म। एनडीए के गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई करें सुप्रीम कोर्ट। तमाम सूबों की हाई कोर्ट्स और सिविल अदालतों को रेलवे के केसेस 2 माह में निपटाने का हुक्म। क्या रॉयल पाम का चार्ज फेरगोसन कंपनी ने संभाल लिया? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। तमाम रिकॉर्ड कंपनी को दे दिया, क्लब की साबिक इंतजामिया का जवाब। रॉयल पाम क्लब का ऑडिट फेरगोसन नहीं, ऑडिटर जनरल करेगा, चीफ जस्टिस का हुक्म। चीफ जस्टिस के वजीर रेलवे को तमाम जेर इल्तवा केसेस की फहरिस्त फराहम करने की हिदायत। रेलवे की कानूनी टीम का सरबराह रिकॉर्ड समेत तलब। चीफ जस्टिस ने 1990 के मुकदमात का 30 दिनों में फैसला करके रेलवे पर एहसान किया। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू।
सानहा मॉडल टाउन में बड़ी पेशरफ्त, इस्तगासा में शामिल पुलिस अफसरान वादा माफ गवाह बनने को तैयार। 3 से 4 सीनियर पुलिस अफसरान ने राबता किया है, अवामी तहरीक की तस्दीक। पुलिस अफसरान जमीर पर बोझ होने के बायस वादा माफ गवाह बनने के लिए तैयार हुए, अवामी तहरीक। हंगामी सूरत हाल से कैसे निपटा जाए, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में 3 रोजा वर्कशॉप इख्तिताम पसीर। डीजी रेस्क्यू 1122 डॉक्टर रिजवान नसीर बतौर मेहमान खसूसी शरीक। और जिम खाना में मास्टर्स कप टेनिस टूर्नामेंट के मिस डबल का फाइनल, इंटरनेशनल स्टार इसामुल हक और अकील खान की जोड़ी छाई रही। वुमेन और मेन्स सिंगल के फाइनल मुकाबले इतवार को खेले जाएंगे।